वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी माम्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गणपति बप्पा के बहुत ही प्रिय बेसन मावा मोदक की रेसिपी। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, तो देखिए बनाना कैसे है। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मोदक के लिए हम बेसन भूनकर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने पैन लिया हुआ है। पैन में मैं डाल रही हूँ 150 ग्राम बेसन। बेसन को हमने छान लिया है। गैस के फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर एक मिनट तक इसे ऐसे ही रोस्ट करेंगे। एक मिनट बाद इसमें ऐड करेंगे शुद्ध देसी घी। घी हमने एक कटोरी लिया हुआ है, वेट में देखें तो ये 70 ग्राम है। थोड़े थोड़े घी डालकर मिक्स करते जाएंगे, इकट्ठे पूरा घी नहीं ऐड करना। इससे ये भी पता चलेगा कि बेसन कितना घी अब्सॉर्ब करेगा। अगर इकट्ठे घी ऐड कर देंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि घी ज्यादा भी हो जाता है, क्योंकि बेसन जब भून जाता है उसके बाद ये काफी फूल जाता है और घी रिलीज करने लगता है। इस स्टेज पर आप मोदक को अच्छा कलर देने के लिए फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें हाफ चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे मोदक में कलर भी बहुत अच्छा आएगा और मोदक हेल्दी भी बनेंगे। बेसन को भूनते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि बेसन हमारा भून गया है कि नहीं, तो देख सकते हैं आप। बेसन भूनने के बाद पूरी तरह से फूल जाता है, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से हो जाता है और इससे बहुत अच्छी सौंधी खुशबू भी आने लग जाती है। बेसन को भूनने में 10 से 12 मिनट का समय लग जाता है। जल्दबाजी न करें, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको 10 से 12 मिनट तक रोस्ट करें, क्योंकि मोदक का टेस्ट बेसन की भुनाई पर ही डिपेंड करता है। और ये बेसन पूरी तरह से फूल गया है, देख सकते हैं आप। इस स्टेज पर गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने देंगे। पैन बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफर करके ठंडा करें, नहीं तो ये जल जाएगा। बेसन पूरी तरह से ठंडा हो गया है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पीसी हुई चीनी 100 ग्राम। साथ ही ऐड कर देंगे 100 ग्राम मावा। ये घर का फ्रेश मावा है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। अगर आप मार्केट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे भुनने के बाद ही डालें, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। मावा और चीनी को बेसन में अच्छे से मिक्स कर देना है। मावा और बेसन ठंडे होने चाहिए तभी चीनी ऐड करना, नहीं चीनी मेल्ट हो जाएगी। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। मोदक बनाने के लिए बैटर रेडी है, तो हम इसके मोदक बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने मोदक मोल्ड लिया हुआ है। बैटर डालने से पहले मोल्ड को घी से ग्रीस कर दें, जिससे निकालने में आसानी हो। इस चीज का खास ध्यान दें, घी नहीं लगाएंगे तो बैटर इसमें चिपक जाएगा, फिर मोदक का शेप खराब हो जाएगा। घी लगाने के बाद मोल्ड को लॉक कर देंगे इस तरह से। अब इसमें मोदक बैटर भरेंगे। अगर आपके पास मोदक मोल्ड नहीं है तो बिना मोल्ड का मोदक कैसे बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप चेक कर सकते हैं। मैंने बिना मोल्ड के भी मोदक बनाया है, जिसका वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बैटर को मोल्ड में दबा दबा कर अच्छे से भरना है, तभी अच्छा शेप आएगा। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मोदक बनकर रेडी है। इसे प्लेट में रख देंगे और मैं दूसरा मोदक बनाकर आपको दिखा रही हूँ। इस मोदक में मैं लगा रही हूँ पिस्ता की कतरन। मोल्ड के साइड में इस तरह से रख देंगे। इसके बाद बैटर को डालेंगे। आप अपने मन मुताबिक काजू, पिस्ता, बादाम से मोदक को डेकोरेट कर सकते हैं, जिससे मोदक देखने में और भी सुंदर लगे। और बैटर को भरने के बाद इस तरह से मोल्ड को खोलेंगे। जितनी बार मोदक बनाएं, मोल्ड को घी से ग्रीस कर दें, इस चीज का खास ध्यान देना है आप। और बैटर को मोल्ड में दबा दबा के भरना है, तभी पूरा सही शेप आएगा। और दूसरा मोदक भी बनकर रेडी है। ये पिस्ता से गार्निश किया हुआ मोदक कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो ऐसे ही सारे मोदक बनाकर हम तैयार कर लेंगे। और लीजिए तैयार है हेल्दी एंड टेस्टी, बहुत ही सुंदर दिखने वाले गणपति बप्पा के बहुत ही प्रिय मावा बेसन मोदक। इस गणेश चतुर्थी इस तरह से मोदक बनाकर आप बप्पा जी का भोग जरूर लगाएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।